हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है, किसको कौन सी अपॉइंटमेंट हुई है, सब कुछ इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी जो भी एग्ज़ाम आने वाली हैं उसके अंदर एक या दो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपके पूछे जा सकते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड में किसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। आपको बताना है फिनलैंड में किसे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सना मारिन। जी हाँ, सना मारिन। अब ये चर्चा में क्या है कि आपको बता दूँ, जो सना मारिन है वो फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, इसलिए ये चर्चा का विषय बनी हुई है। अब आती है फिनलैंड की, तो फिनलैंड में सना मारिन से पहले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है प्रधानमंत्री का जो पहले थे, एंटी रिने। जी हाँ, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, एंटी रिने। अब ये चर्चा में क्यों आई, क्योंकि एंटी रिने ने अपने जो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में जो फिनलैंड की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसने प्रधानमंत्री पद के लिए सना मारिन को चुना है। बात की जाए सना मारिन की एज की, तो वो मात्र 34 वर्ष की है और वो किसी भी देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री होंगी, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। इसलिए ये चर्चा में बनी हुई है फिनलैंड की जो सना मारिन है। और आपको बता दूं, जो फिनलैंड की सरकार का नेतृत्व करने वाली जो सना मारिन है वो तीसरी महिला नेता होंगी, और इससे पहले जो थी वो फिनलैंड के अंदर ट्रांसपोर्ट मंत्री थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इससे क्या क्या याद रखना है, फिनलैंड की जो नई प्रधानमंत्री बनी है वो सना मारिन है, और उन्होंने किसका स्थान लिया है, जो पहले प्रधानमंत्री थे एंटी रिने का स्थान लिया है। उनकी आयु 34 वर्ष है और देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री होंगी। तो ये तीन चार चीज़ें आपको इससे रिलेटेड करके रखनी है। और वो कौन सी पार्टी से हैं, फिनलैंड की सोशल डेमोक्रेट पार्टी से हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गूगल की मूल कंपनी का क्या नाम है हाल ही में, जिसके सीईओ सुंदर पिचाई बने। तो आपको बताना है सुंदर पिचाई किस कंपनी के सीईओ बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फाबेट। जी हाँ, तो गूगल की मूल कंपनी है अल्फ़ाबेट, जिसके सीईओ सुंदर पिचाई बने हैं, और उन्होंने जो स्थान लिया है, जो पहले अल्फ़ाबेट के सीईओ थे लेरी पेज, जी हाँ लेरी पेज का उन्होंने स्थान लिया है। वो एक पहले इससे पहले सह संस्थापक भी थे और दूसरे सह संस्थापक थे इसके, लेरी पेज के साथ में, जिन्होंने भी जो मूल कंपनी अल्फ़ाबेट थी गूगल की उससे पद से इस्तीफा दे दिया है। वो उसके अध्यक्ष थे। आपको बता दें उनका दूसरा नाम सरगेई ब्रिन। जी हाँ, सरगेई ब्रिन। तो इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया, तो जो सुंदर पिचाई हैं वो उनका स्थान होंगे लेरी पेज के, और ये गूगल की मूल कंपनी है अल्फ़ाबेट। तो इस चीज़ का याद रखना आपको। और ये सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कब नियुक्त किया, तो ये 3 दिसंबर 2019 को। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो आपको बताना है किसने हाल ही में 24वें महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोमा रॉय। अब सोमा रॉय, इनका पूरा नाम है सोमा रॉय वर्मन। जी हाँ, सोमा रॉय वर्मन। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो जो आपने लगाई थी, और इनकी ये बने हैं 24वें महालेखा। आपको बता दूं इनकी नियुक्ति हुई थी 1 दिसंबर 2019 से, और वे इस पद पर पहुंचने वाली महिला हैं, 7वीं महिला हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और भारत सरकार ने भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी सोमा रॉय बर्मन को नया महालेखा नियुक्त किया है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट। जी हाँ, ये कई एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसको याद कर लीजिए आप, कि जो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी। जी हाँ, आपको ये चीज़ याद रखना है। और उन्होंने ये भारतीय जो नौसेना है उसकी पहली महिला पायलट बन गई है। और ये कब शामिल हुई, तो ये शामिल थी 2 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में
किसने महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो आपको बताना है किसने 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है महाराष्ट्र के अंदर। तो इसके सही आंसर हो जाएगा उद्धव ठाकरे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और आपको बता दूं, उद्धव ठाकरे के बारे में, उन्होंने साल 2012 के अंदर बाल ठाकरे के निधन के बाद में शिवसेना के अध्यक्ष बने थे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और वो 19वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के। और उन्होंने ये शपथ कब ली, ये चीज़ भी याद रखना है आपको, 28 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद के रूप में उन्होंने शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, श्रीलंका के अंदर निम्नलिखित में से किसे हाल में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो आपको बताना है जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद पर किसने शपथ ली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महिंद्रा राजपक्षे। जी हाँ, महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ली है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि जब एक भाई तो प्रधानमंत्री है और दूसरा भाई राष्ट्रपति है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोतबाया राजपक्षे। जी हाँ, गोतबाया राजपक्षे। और ये भाई हैं महिंद्रा राजपक्षे के, और उसके छोटे भाई हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। और गोतबाया राजपक्षे ने ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई थी। तो ये चीज़ याद रखना है कि उनके छोटे भाई जो राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, गोतबाया राजपक्षे, उन्होंने महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री के पद पर शपथ दिलाई थी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन, ये भी चीज़ को याद रखनी है आपको इम्पोर्टेंट, कि देश के 47वें, जी हाँ, मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े बने हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, शरद अरविंद बोबड़े मुख्य न्यायाधीश कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47वें नंबर के। और उनको शपथ किसने दिलाई है? तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हैं जिसमें रामनाथ कोविंद ने, और ये 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आपको बताइए, इससे पहले जो भारत के 46 मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइए। वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए क्यूज भी रखा गया है, उस क्यूज को भी ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आपके एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन ज़रूर इसमें से देखने को मिलेंगे आपको। हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किस राज्य के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली है? तो देख सकते हो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। जी हाँ, तो गोवा के जो नए राज्यपाल बन गए हैं सत्यपाल मलिक। आपको बता दूं, इससे पहले सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में बता दो, अब दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया है जम्मू कश्मीर को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सत्यपाल मलिक जो इस समय गोवा के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। और इनको शपथ किसने दिलाई है? जो बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रदीप नंदराजोग। जी हाँ, आपको याद रखनी है। जो ये भी पूछ सकते हैं कि उनको शपथ किसने दिलाई, तो जो बम्बई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम लिख देता हूँ आपके सामने, प्रदीप नंदराजोग। ये चीज़ भी आपसे को याद रखनी है। और उन्होंने किसका स्थान लिया, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, तो उन्होंने मृदुला सिन्हा का स्थान लिया है। जी हाँ, ये चीज़ आपको याद रखनी कि सत्यपाल मलिक ने मृदुला सिन्हा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीचे दिए गए नामों में से किसने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीसी मुर्मू। जी हाँ, जीसी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर तथा आर के माथुर ने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के पद पर शपथ ग्रहण की है। जी हाँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जीसी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर और आर के माथुर ने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन को जरूर अटैम्प्ट कीजिए और आपको कमेंट करके बताना है कि इनका सही आंसर, अल्फाबेट के सीईओ कौन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अल्फाबेट के सीईओ कौन है, चार ऑप्शन है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, चौबीस हिमालय का नियंत्रक कौन है, तो आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, पहली महिला पायलट कौन है। चौथा क्वेश्चन आपके, मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसका ये चारों ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके आंसर बताइए कि इन चारों में से इन चारों क्वेश्चनों के उत्तर क्या होंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।